जनपद बार एसोसिएशन का बुधवार को न्यायालय लाइब्रेरी में चुनाव कराया गया। चुनाव में 92% रिकॉर्ड मतदान हुआ। वोटों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन की चाक चौकंद व्यवस्थाएं देखने को मिली। हम आपको बता दें कि जनपद बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 6, महासचिव के लिए 9, सरपंच सह सचिव के लिए 12, उपाध्यक्ष के लिए 4 व कोषाध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी KB शर्मा की देखरेख में प्रारंभ हुआ। चुनाव में बैलेट पेपर का प्रयोग किया गया। शाम 4 बजे तक 92% मतदान हो चुका था। चुनाव के दौरान कई थानों का पुलिस फोर्स चुनाव स्थल पर उपस्थित रहा। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। वोटों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। हैक्स न्यूज के लिए अमरेश राजपूत की रिपोर्ट। महासचिव पर आपके 9 प्रत्याशी और सह सचिव पर आपके जो है 10 प्रत्याशी, वो साथ 5 प्रत्याशी और इस तरह से जो है 50% आपका जो है 793 करीब वोट पड़े। 9 से 7 कुल मतदाता 2 7। चुनाव कैसा संपन्न हुआ? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, ईमानदारी से और जवाब कमेटी ने चुनाव कराया है। भाई रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? अब तो रिजल्ट शुरुआत 4 बजे से हो जाएगी। 4 बजे हमारे यहाँ इस बार इतने अत्यधिक प्रत्याशी मैदान में है कि उनकी गिनती करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी है मतदान बड़ी शांतिप्रियता से हो रहा है। लेकिन इसका रिजल्ट निष्पक्षता से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ऐसा अध्यक्ष चुना जाए जो कर्मठ और जुझारू हो, जो कि अधिवक्ताओं की बात रख सके और अधिवक्ताओं के साथ रहकर अधिवक्ताओं पर हो रही शोषणों के खिलाफ आवाज उठा सके। तो हमारी तो इच्छा यही है कि हम ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो कि एक अधिवक्ता बुद्धिजीवी व्यक्ति कहा जाता है, तो बुद्धिजीविता के कारण हम अधिवक्ताओं की मदद कर सके और हम लोगों का सहयोग कर सकें। और इस मतदान में हमको जिलाधिकारी SSP द्वारा और हमारी चुनाव समिति के जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे, क्या नाम है, B.R. प्रकाश जी यादव, हमारे एल्डर्स कमेटी के श्री ठाकुर शिव कुमार सिंह जी, रूपचंद जी जैन, रामरथपाल जी यादव एवं देवेंद्र कुमार जैन एवं वरिष्ठ जो हमारे अधिवक्ता बंधु थे, उनका काफ़ी सहयोग रहा और चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न हो रहा है। और इस बार से चुनाव में कुल 907 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब मात्र लगभग 7 मिनट का समय शेष रह गया है। लगभग 800 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और जो भी गणना जब तक होगी, जब तक परिणाम सामने नहीं आएगा, हो सकता है लगभग 10 बजे तक परिणाम आने की संभावना है कम्प्लीट। इसमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव और 3 सह सचिव, 1 कनिष्ठ उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, इनका चुनाव होना है। और जो पदाधिकारी चुने जाएंगे वो हमारे पूरी बार का प्रतिनिधित्व करेंगे और अधिवक्ताओं की समस्याओं को समय समय पर उठाने का काम करेंगे। और जो भी समस्या अधिवक्ताओं से संबंधित होगी प्रशासनिक स्तर पर, चाहे वो बार काउंसिल के स्तर पर, वो एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और प्रभावशाली ढंग से उसमें सभी अधिवक्ताओं का सहयोग होता है, वो हमारी आवाज़ बनकर अपना काम करते हैं। इसलिए ये चुनाव अति आवश्यक है और प्रतिवर्ष ये नियम से चुनाव होता है।